10 दिसंबर 2021 के इलेक्शन में 20-25 जो MLC हैं, 25 करोड़ से 500 करोड़ का तिजारत करे करके जो रिकॉर्डिंग हुआ, जो रिकॉर्ड उनका ऑडियो रिलीज करे, ऑडियो में बोले डीके शिवकुमार और अपना ये यूसुफ शरीफ दोनों भी बोले कि भाई इनको अपने पैसे से दे रिंग करो, अपने गवर्नमेंट सरकार बजट का पैसा नहीं, अपने पैसे से इन्हें इतना पैसा दे रिंग करके बोले। इलेक्शन कोड डिक्लेयर हुआ बाद अपना पैसा दिखाना ये रुश्वत थी, एक तरह से हराम भी लोगों को, क्योंकि हरामी लोगों को लाना ये पैसा लेके हराम, क्योंकि पैसा वोट डालता ही ज्यादा एक तबका, ये सिर्फ पैसों को देखा, आबेद को देखा, तो पूरा तबका पूरी जिंदगी कोरोना में कोविड में मरे सका मरती, जो जिंदा है जिंदा है, मरा है मरा, तो ऐसा मरने वाले कम्युनिटी पूरे सफर होती है हमें, तो क्योंकि ये पैसे की बात है तो ये पैसा उन्होंने ओपन से डिक्लेयर किए। तो मैं एसीबी में कंप्लेन, डीके शिवकुमार अपने कैंपेन में बोले कि भाई यूनो ये दे रही करके, यूनो अपने पर्सनल पैसे से दे रही, वो भी इलेक्शन 2 दिन या 4 दिन के समय में, ये चीज जो बोले ये कानून में गलत है। एसीबी में यूसुफ शरीफ का 500 करोड़ का जो वीडियो है, रिकॉर्डिंग है और प्रिंट है मीडिया के एडिटरों के साथ, मैं विटनेस बना के वो केस डाला हूं, और इलेक्शन कमीशन की एफिडेविट में जो एफिडेविट दिए हैं उन्होंने, इसमें 4 केस डाले और इतने ग्रेव केसेस दूसरे बचे हुए हैं, वो केस का डॉक्यूमेंट एसीबी अपना इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ हूं मैं ईसी को, तो इसका मतलब इनको जानकारी कर लेना जरूरी नहीं है ईसी को, मत जब हमें दे दिया तो इलेक्शन आ गया, ये चीज इसमें क्या मर्डर है, क्या कोले है, क्या लूटमार है, क्या खराबी है, जब तक पब्लिक या वोटर्स ना देखे हुए उसको वोट करना वो कानून में इलीगल, उसके बाद आज नहीं 4 साल भी गया, 2 साल भी आया, ये जजमेंट जल्दी से जल्दी करने का कोशिश कर रहा हूं मैं, हो गया तो उन्होंने डिप्टी सीएम या चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक, ये क्रिमिनली सीएम बनना है तो ये बनने का इनकी साजिश है, इन्होंने सीएम भी बन गए तो उधर से भी उतारना, वही मैं इलेक्शन कमीशन को मांग रखा हूं, और इलेक्शन कमिश्नर की भी ड्यूटी होती है ये कि भाई जितना क्रिमिनल केसेस एक्सक्लूसिवली जो कैंडिडेट के हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में बी फॉर्म जो इश्यू करता है उन्हें अपनी वेबसाइट में डालना, और तुम्हारे पूरे पूरे मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मीडिया हैं मीडिया में अनाउंस करना ये इतने केस इतने सेक्शन में इतने रेप इतने कोले इतने कोल्ले है ये तमाम जो हुआ है करके डालना। जब से बी फॉर्म देते हैं इलेक्शन 10 तारीख दिसंबर का हुआ उस तारीख तक 3 बार देना ये पूरे फेल हुए। मैं प्रॉब्लम इलेक्शन में कैंडिडेट कैंपेन में नहीं बोल रहा हूं, तो मैं कैंपेन के वोटर्स नहीं है, ये जितने वोटर्स हैं पब्लिक सर्वेंट हैं, प्रेसिडेंट चेयरमैन कॉर्पोरेटर्स जितने भी है पूरे पब्लिक सर्वेंट फॉल्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। वोटर जो है फार्मर और जिराती और दूसरा नहीं है, ये पूरे पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनको पैसा देने की बात कर रहे हैं, ये पैसा अपने प्रेसिडेंट को देते हैं, इनको ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को संबंध ही नहीं है, इनका काम अभी सीएम बनना है इन्हों और अपर हाउस में जाना है। ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टेड मेंबर जो है पब्लिक सर्वेंट से वोट लेते हैं, ये पैसा उनको जाएगा, और जब इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए कोड जब लागू हो गया तब पैसा देन लेन की बात एसीबी में लोक आयुक्त एक्ट में गलत है, इलेक्शन ईसी एक्ट में गलत है, बस इतना ही बोला हूं। पैसा उन्होंने अपना दो दूसरा दो कोर्ट के तहत, इलेक्शन कोर्ट के तहत गलत है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको पैसा देना, उनको छेड़ना पैसों के बारे में, उनको फलां जगह में मैं ये टाइम पर ये पैसा देता हूं बोलना, अपना पैसा देता हूं बोलना, वो सरासर खराब गलत क्राइम अक्यूज के स्टेज में डीके शिवकुमार और यूसुफ शरीफ खड़के बोला है। ये आगे पब्लिक वोट्स नहीं है, जो इनको वोट्स डालने वाले पूरे के पूरे 2200 आदमी इलेक्टेड चेयरमैन प्रेसिडेंट कॉर्पोरेटर्स म्यूनिसिपल मेंबर्स पूरे ये तमाम है, यू नो ये जो ये पब्लिक सर्वेंट्स को दिए हैं, जाएंगे चले गए वो सवाल नहीं है। अपना सरकार में 5 लाख करोड़ है इरिगेशन में, 5 लाख करोड़ में 12% कमीशन लिया हूं करके इनके सदर ही बोले हैं, डीके शिवकुमार के 500 करोड़ का अपना 5 लाख करोड़ का टर्नओवर,
जो बजट में कंस्ट्रक्शन, वो पैसे का डेवलपमेंट नहीं बोले ना इन्हों, यू नो अपना पैसा का मतलब अपना रुश्वत पैसा, इलेक्शन के बाद मैं खर्च करता हूं, आज रुश्वत दे रहे हैं, ये प्रेसिडेंट के पास वोट लेते हैं इन्हों, इसके वोटर्स कैसा होते हैं कि आम जनता कैसी होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक सर्वेंट्स अबव चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट एंड काउंसिलर, इनको पब्लिक सर्वेंट लोकायुक्त एक्ट में आते हैं, जनरल पब्लिक लोकायुक्त एक्ट में नहीं है, तो ये लोगों को अपना पैसा दे रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा दे रहे हैं, अपने जकात में और चंदा और डोनेशन दे रहे हैं, ये आके करप्शन है इसी टाइम पे बोलना, और ये वोटर जो है प्रेसिडेंट और कारपोरेटर चेयरमैन को बोलना, कानून में करप्शन है सर। इलेक्शन कमीशन से जो आपका मुतालिबा है, जो मांग है, इलेक्शन होने के बाद क्यों हो रहा है, इलेक्शन से पहले भी तो आप ये कर सकते थे। इलेक्शन के पहले ही कंप्लेंट दिया हूं मैं, इलेक्शन के पहले दिन, दूसरे पहले दो दिन पहले मेरा कंप्लेंट है, इलेक्शन को रुकाने का, इनको सीएम बनने से रुकाने का मेरा मकसद नहीं है, ये पॉलिटिकल है, मतलब मेरा सिर्फ मकसद एक ही है, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, डीके शिवकुमार हो और यूसुफ बाबू हो, ये लोग जेल को जाने का, उन्हें सीएम बन के जाने दो, डीसीएम बन के जाने दो, एमएलसी होने दो, इसे नहीं है, मतलब जब जेल को जाने का पक्का हो गया, कानून के तहत, कानून के दायरे में पक्का हो गया, तो जो चीज इलेक्ट हुआ है वो तब भी जाता है, जब जो एमएलसी में अपर हाउस में बैठना है तब जेल में बैठना है, समझ गया, वो अपर हाउस जाता है उनके हाथ में, यानी इलेक्शन कभी खारिज हो सकता है, चाहे वो ये दो दिन हो, दस दिन हो, दो साल हो, आठ महीने हो, इलेक्शन के बाद कुर्सी छोड़ना मांगते हैं सर, नहीं वो अपने प्रेसिडेंट पार्टी के हैं जो बी फार्म इशू करे हैं, वो उनको मालूम है कि भाई पैसा देना, पैसा दे के लाना कानून में गलत है, ये सी लोकायुक्त एक्ट में गलत है, इलेक्शन एक्ट में गलत है, और अपने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वो ऐलान पब्लिक में ऐलान करे हैं, छोड़े हैं ये पब्लिक में पब्लिश करे हैं, वो गलत है, ऐसे करने वालों को जान बूझ के मैं इसको ही दूंगा, इन्हों इतना पैसा लगाएंगे, 500 करोड़ रुपए लगाएंगे, वो अग्रीमेंट में उन्होंने आए हैं क्या, वो डीके शिवकुमार को और अपने यूसुफ शरीफ को, दोनों को मालूम है, और ऐसा वोट नहीं होता है, वोट होता है एमएलसी का वोट है, जो 222 एमएलए जो काम करते हैं इसको सही करने का, इसको इलम चाहिए, उन्हें खुद बोलता है मैं चारवीं पढ़ा हूं, मैं दोवीं पढ़ा हूं, वो मेरा कंप्लेंट नहीं है, जो थर्ड भी फोर्थ स्टैंडर्ड पढ़ा हूं, मैं स्कॉलरशिप देता हूं, फलाम बोलता है, ये डीके शिवकुमार को मालूम है 222 एमएलए का कमजोरी, जो स्टेट 6.5 करोड़ को जो इम्पैक्ट होगा, जिसका खून पानी के बाव में बिकेगा, ये काम ये चारवीं जो पढ़ा है, जो क्राइम जो किया है, क्राइम छपा के वो 222 आदमियों की गलती को सुधारेगा, यानी अच्छा ही काम उनसे कराएगा अपर हाउस में, ये सिर्फ डीके शिवकुमार को मालूम है। बी फार्म तो पहले दिए, वो बी फार्म दिए इसलिए मेरा केस सिंपल है, डीके शिवकुमार अक्यूज नंबर 1 है, अक्यूज का मतलब मुजरिम बनना है, जेल को जाना है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को जब करना है, जो लोग पार्टी नेशनल 6 करोड़ का आम पब्लिक इनका देखना, एक नेशनल पार्टी और स्टेट के हेड इनकी जिम्मेदारी बनती है, अब ऐसे आदमी को देना, अब बोल रहा हूं ना मैं, जो 7 एमएलए को एक है, तो 60-65 लोग, 200-250 लोगों को संभालना है, उन पढ़ना है कानून, इन्हों कहां से पढ़ेंगे, क्या डीके शिवकुमार पढ़ेगी क्या, जिस जगह यूसुफ शरीफ पढ़ के साइन करना है, डीके शिवकुमार पढ़ेंगे कि नहीं, तो ये आदमी जो अभी कांग्रेस में जीत के नहीं, कल के दिन दूसरों के साथ जाके जेडीएस में ना बीजेपी में रहेंगे क्या, उन्हों किसके साथ, किसके पास पढ़ाएंगे इन्हों, एक्ट जो बनता है, लेजिस्लेशन एक्ट जो बनता है, वो पढ़ाना मांगता है, पढ़ना मांगता है, इसको अपोज करना पड़ता है, एक तो कन्नड़ा में बनता है, नहीं तो इंग्लिश में बनता है, और इनकी जबान क्या है, अभी तो उर्दू जबान, उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे नोटराइज नहीं हो के भाई ये उर्दू में गजट बनेगा, ये पढ़ के इसके ऊपर साइन, इसको अपोज करना, ये लोगों को बचाव में लाना, इसकी जिम्मेदारी डीके शिवकुमार के ऊपर भी, यूसुफ शरीफ के ऊपर है, जो चारवीं क्लास की शान से जो पूरा वोट मिल रहा है, और 500 करोड़ के कास्ट में, और अग्रीमेंट पे, दोनों का अग्रीमेंट से इन्हें सीट दिया हुआ है, और जीतेगा, और चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार बनेगा, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, दोनों का अग्रीमेंट है ये। सर आपका जो इल्जाम है सिर्फ केजीएफ बाबू और डीके शिवकुमार के ऊपर है, या कोई और लीडर्स के ऊपर भी आपने इल्जाम लगाया इस तरह?
जेडीएस और क्या बीजेपी और अपना वो कुछ दावनगिरे के एक 90 साल के कांग्रेस के लीडर को भी है, उन्होंने बोले हमें पैसा देते हैं, उन्होंने भी देते हैं 90 ईयर्स शामनोर शिवशंकरप्पा, उन्होंने खुद मान लिए हैं क्योंकि ये उम्र में इनको सजा नहीं है, ये उम्र में सीनियर सिटीजन से बड़े इन्हों खुद मान के इन्हों कर रहे हैं, तो ये पैसा दे तीनों पार्टी में हो रहा है, ये सरासर कानून में लोक आयुक्त एक्ट इलेक्शन कमिश्नर कर्नाटक के ये खुद कमजोर हैं, इन्हों बोले हुए हैं उनके ऊपर से मोटो जेल में नहीं डाले और लोगों को इसका सबक मिलने के लिए लोक आयुक्त एक्ट क्राइम नहीं होता है, लोक आयुक्त एक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों इतना कमजोर है, ये लोगों को पैसे 25 से 500 करोड़ रुपए देने का पब्लिक में करके यू नो अपने ऑफिस में आराम से बैठे हुए हैं। आपका एकदम तीनों पार्टियों पर है और कंप्लेंट में कितने लोगों के नाम है? पूरे 125 कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दूसरे हैं, तीनों पार्टी के हैं। इसके ऊपर जो मेरे को सनद है, जो पब्लिक में पब्लिक को बहकावे में लाने और गुंडा क्राइम आदमी मेरे पार्टी को काम आएगा, पैसे वाला आदमी मेरे को 2023 के इलेक्शन को काम आएगा करके ऐलान किया है पब्लिक में, ये अभी जो डॉक्यूमेंट वाइज डीके शिवकुमार है, यूसुफ शरीफ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये देख के बैठी है और लोकायुक्ता भी है, इन तीनों चारों भी ये काम छोड़े तो इनके ऊपर भी कानून लागू होगा, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वायलेशन वो किए हैं और काम करते हैं, वायलेशन तो पक्का जानबूझ के, जैसा बच्चे को औलाद देते हैं उसके बाद जिंदा दफन करते हैं, ऐसा इलेक्शन लाते हैं 125 लोगों में, समझो इनके तकरीबन नेशनल पार्टी उनकी जीत होती है, यानी इनके 25 इनके 25 इनके 10 यानी बीजेपी कांग्रेस मिला के जेडीएस मिला के 50 या 60 आदमी का इनका है जो पैसे में इंडल्ज होने वाले, तो ये लोग का पैसा देन लेन है और जबान से कंसेप्ट एक्सेप्ट करे हुए हैं डीके शिवकुमार और ये और कैसे करें? और अपने बयान में दिए, अपने सर्कुलेशन वीडियो बनाए, अपना ऑडियो बनाए, रिकॉर्ड करे, अखबारों में पब्लिकेशन दिए और अखबारों में पब्लिकेशन ये देना चाहिए था कि भाई ये क्राइम किया, ये मर्डर किया, ये अटेम्प्ट टू रेपिस्ट था, ये वो कौन सा पॉइंट है जिसपे आप कंप्लेंट कर रहे हैं जो उनके स्टेटमेंट्स हैं? जो 500 करोड़ रुपया मैं आवाम को देता हूं, इसमें आवाम का यूसुफ शरीफ बोला और डीके शिवकुमार भी बोला, उसका जितना मैनिफेस्टो है जबान से ऐलान किए, मैनिफेस्टो पेपर होता है, कानून में उसको जगह नहीं है, जब जबान में नेशनल रिलीज में जब रिलीज देके दिल्ली अमेरिका भेजते हैं अपना डीके शिवकुमार, वो अपना एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट है, जब वो बोला कि भाई ये पैसा अपना पैसा देता है, जो 5 लाख करोड़ रुपया इरिगेशन में मैं 50,000 करोड़ नहीं किए, तो इतना पैसा रहते हुए ये 500 करोड़ की जरूरी क्या है सरकार में पब्लिक का पैसा? अच्छा एक पॉइंट ये भी है सर कि इसे जो वोट डालने वाले हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लोकल बॉडीज के वो मेंबर्स हैं, वो लोग डायरेक्ट पैसा ले रहे हैं ये भी खबर है, तो इनके ऊपर भी आप एलिगेशन इनके ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते हैं आप? नहीं, जब ये सनद साबित हो गया, अब इसमें तो इलेक्शन कमीशन भी बसने वाले नहीं है और लोकायुक्त भी नहीं है, करना ही पड़ेगा, तो ये पैसा किसको देते हैं, कौन लेने वाले थे? अब ये देता हूं ये तो आ गया, 500 करोड़ रुपया है वो भी आ गया, अपना डीके शिवकुमार वो भी ऐलान कर दिया, लेने वाला ये केस बनता ही है कि भाई ये पब्लिक सर्वेंट है करके, आवाम कॉमन नहीं है, पूरे पब्लिक से चेयरमैन टू कॉर्पोरेट काउंसिलर है, मेंबर है, प्रेसिडेंट है, तो ये पब्लिक सर्वेंट है, तो इसलिए केस बनता है, इलेक्शन कमीशन का बनता है, आवाम के लिए भी, एसीबी का लोकायुक्त में बनता है, सिर्फ पब्लिक सर्वेंट को ही देते हैं, लोकल एक भी आदमी को एक्सेस ये इलेक्शन से नहीं होता है, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूरे एमएलए चेयरमैन प्रेसिडेंट इनो पब्लिक सर्वेंट को पैसा देने की बात किए, पैसा दे चुके हैं, पैसा दे भी दिए होंगे, जैसा बोलते हैं उन रास्ता बताए वो दे देंगे, तो ये अपने पैसे से देना जरूरी नहीं है, अपने पैसे से देने वाले सियासत में आने की भी जरूरी नहीं था, अपने पैसे 500 करोड़ की जो शान करने वाले, एक बजट एक डिपार्टमेंट में 5 से 8 लाख करोड़ रुपया होता है, और जो इतना नहीं जाने तो वही बेइलमी होती है, इतना बेइलम होके अपना 222 आदमी जो कानून असेंबली में पास किएंगे
तो ये होता है 222 आदमी को बोलते हैं कि भाई हमें बेइलम है इसलिए असेंबली को जाते हैं इन्हों ये आदमी जो हमें पढ़े लिखे हैं ये पढ़ के हमें गजट जो कन्नड़ा में लिखा होता है इंग्लिश में सही डिक्शनरी मीनिंग के साथ मैं अप्रूव करता हूं करके बोल के एमएलसी में जाते हैं तो इन्हों बेइलम करके जाते हैं एमएलए ये बेइलम 222 एमएलए को इलमदार आदमी जितने भी एमएलए हो दो इलमदार आदमी के नाम से ही ऐसा ये कानून बना है जनरली ये पढ़ के ये नक्की करना है ये 222 आदमी 25 दिन समझाना मांगता है समझा के ये विड्रा लोगों के लिए अच्छा ही करने विड्रा करना मांगता है ये जो चारवीं क्लास पढ़े हुए आदमी को 500 करोड़ के साथ जो एक एक डिपार्टमेंट का बजट 5 से 10 लाख करोड़ रुपए है कर्नाटक में ये पूरा पैसा भी 6.5 करोड़ का है एक आदमी का नहीं 1500 करोड़ का नहीं जब 1800 करोड़ रुपए जब बोलते हैं 1800 करोड़ रुपए कुछ भी मायना नहीं रखता है क्योंकि वो पैसे को टैक्स बना नहीं है वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आता है कि भाई इसका वेल्थ टैक्स बन के क्योंकि जब डिस्प्यूट हो गया तो उसका वेल्थ टैक्स बना है क्या और इसका जितना क्राइम केस दिया है मैं तो सनत के साथ दिया हूं कि भाई ये क्राइम केस दिए हैं जो छोड़े हुए हैं ये क्राइम केस आगे आ जाता तो एक भी आदमी वोट नहीं कर सकता था ऐसे क्रिमिनल केसेस एफिडेविट में छोड़े हुए हैं एक्सक्लूड किए हैं तो आलम पाशा की मांग क्या है सर मेरी मांग केस का है जेल को जाना है जेल पूरे जाएंगे जब इलेक्शन कमीशन नहीं किए तो उन्हें भी तो जाना है यूसुफ शरीफ और अपना डीके शिव कुमार ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करके जो अपना पैसा आपका जेब का पैसा छीना के तुम लोगों को दो करके बोल के ऐलान करके उसके नाम से वोट लेना और अपने जो जितने मीडिया अपने वेबसाइट अपने टीवीओ में इसका क्राइम अलेगेश क्राइम जितना है कानून में ये रेप किया है ये अपना लोगों का पैसा हराम किया है ये लोगों का इतना खाया है पैसा करके जबान से नहीं बोला है डीके शिव कुमार के ऊपर ही आता है वो डीके शिव कुमार का ऑब्लिगेशन है कानून में यही है कि आप मैं बोलना मांगता जब बी फार्म दे दिया तो नहीं बोला है तो उन्हें क्या भी हो एज ए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से भी जेल में जाना मांगता हूं मैं वही मेरी मांग है।